हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में। ठीक है, हमारे पास है फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन है ना, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ठीक है, और इस वीडियो में हम करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ठीक है, तो जब हमारे पास फ्रैक्शन होती है, हमने उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है। तो अगर हमारे पास इस तरह हो 15/100, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कि ऊपर 15 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 15 और परसेंटेज आ गया 7। ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ये 15% है। जैसे परसेंटेज को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, इसी तरह 100 डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो 100 नहीं है डिनोमिनेटर में, यहाँ तो 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखे 9/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 9/2 लिख लिया। हम क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 100 बन जाए। तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा ना, तो हम यहाँ पे ऊपर भी 9 लिख लेते हैं, नीचे भी 2 लिख लेते हैं, और अब किस से मल्टीप्लाई करें 2 को कि 100 आए 50 से, तो ऊपर भी 50 और नीचे भी 50 लिख लेंगे और ऊपर भी 50 लिख लेंगे। ठीक है, समझ आया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = कितना होता है, 45। ठीक है, और 0 का 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 10, और 0 का 0। ठीक है, देखें ये बन गया ना इस तरह की फॉर्म, ये जो है इस तरह की फॉर्म बन गया ना। ठीक है, कि डिनोमिनेटर में 100 था तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट 15 लिखा और 7% लगा दी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे इसको, 450 और 100 की जगह परसेंटेज। समझ आया, क्लियर हुआ कि परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर में 100 ले आते हैं। इसी तरह जब हमारे पास ये सिचुएशन आई कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आया और हम लोगों ने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्ट होल जो नंबर है ऊपर वो लिख देंगे, और 100 की जगह हमने, डिनोमिनेटर में 100 था तो हमने इसकी जगह परसेंटेज लिख लिया। ओके, इसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये भी इसी तरह सॉल्व होगा, 3 ऊपर 4 नीचे इज इक्वल टू, 3 ऊपर ही लिखते हैं, इसी तरह 4 नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, 100 नहीं है, तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 आ जाए, तो 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब देखें 3 × 25 = कितना होता है, 75, और 4 × 25 = कितना होता है, 100, हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, और सिंपल आ गई ये वाली फॉर्म। ठीक है, यस, फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 75 ऊपर है तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 100 है तो क्या कर देंगे, इसको परसेंटेज लिख दिया हम लोग। ये मैंने और क्वेश्चंस लिख लिए कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, ये तो 1-डिजिट नंबर था ऊपर भी नीचे भी, ये 2-डिजिट नंबर आ गया, और ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 16 ऊपर 10 नीचे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं, 16 ऊपर और 10 नीचे। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 आ जाए, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 होता है ना, तो हम यहाँ भी 10 लिख लेंगे और ऊपर भी 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 × 1 = 16 होता है, और 1 0 का
ज़ीरो आ गया। इसी तरह 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 100 आता है। तो हमारे पास आ गई इस तरह की फ्रैक्शन। तो 160 ऊपर है वो वैसे ही आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 100 है तो उसकी जगह परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल था। इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये देखें यहाँ पे लिखें 3/1/5 इक्वल टू। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको माइंड में रखें और उसमें ये वाला ऐड कर दें। तो 5 3 0 कितना होता है, 15। 15 में 1 प्लस करें, 16 ऊपर आ जाना है, और डिनोमिनेटर में 5 है तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाना है यहाँ पे, फिर वही बात है कि 16 ऊपर लिखें, 5 नीचे लिखें। ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर 100 बन जाए तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, 20 से। ठीक है, 5 को 20 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, नीचे तो 100 आ रहा है, ठीक है 520 का 100 हो गया, ऊपर कैसे आएगा, 16 टू जर कितना होता है, 32, और 0 का 0 आ गया। सही है, तो ऊपर 320 है तो 320 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 है तो उसकी जगह परसेंटेज। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने ये फ्रैक्शंस थी हमारे पास, उनको भी हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। ये भी फ्रैक्शन है और ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन सिंपल जैसे इनमें किया था वही कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ये देखें, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने उन पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय।